किस तरीके से अपन जाते हैं करते हैं, यानी जो टोटल ब्याज आता है उसको, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। उसके अलावा अपन बात करें तो आज मैं आपका एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा बिल्कुल, तो आज से करेंगे चैप्टर की शुरुआत। और अपना जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा परसेंटेज यानी प्रतिशत, और प्रतिशत के बारे में अपन सीखेंगे। तो देखो अपन बात करें सबसे पहले, यानी अपना जो चैप्टर है वो है परसेंटेज, जिसको कहा जाता है हिंदी में प्रतिशत। क्या कहा जाता है भाई इसको? प्रतिशत। इसके चिन्ह की बात करें कि यानी इसका जो सिंबल है, जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो देखो इस तरीके से होता है। ये किसका चिन्ह है भाई? प्रतिशत का, यानी परसेंटेज का। ये अर्थमेटिक का ऐसा चैप्टर है अकेला, यानी पूरी जो अर्थमेटिक है जिसमें से अपन कुछ चैप्टरों की बात करें जैसे नंबर सिस्टम की, यदि नंबर सिस्टम को छोड़ दिया जाए, केवल सिंगल चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति कहते हैं जिसे, यदि उसको हटा दिया जाए तो बाकी के अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं, 18 से 19 चैप्टर हैं लगभग, वो सभी इसी पर आधारित है, प्रतिशत पर यानी परसेंटेज पर। तो यदि ये चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो समझो कि आप मैथ का लगभग 70% भाग सीख चुके हो, बाकी के 30% में पूरी मैथ एक तरफ और अकेला चैप्टर है एक तरफ। रीजन है उसके पीछे क्यों? क्योंकि इसके जो कंसेप्ट हैं वो सभी कंसेप्ट आगे वाले सभी चैप्टरों में क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं। इसलिए जिस बच्चे को इस चैप्टर की अच्छी नॉलेज है वो आगे के चैप्टरों को बहुत जल्दी और सीख सकता है, यानी सॉल्व कर सकता है क्वेश्चनों को। तो इस चैप्टर को आपको बिल्कुल जीरो से सीखना है, जीरो से लेकर हाई लेवल तक अपन सवाल पढ़ेंगे, मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे अपन बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके, और अच्छे से अच्छे कंसेप्ट में यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। तो देखो आज की करते हैं शुरुआत अपन। तो मैंने कहा था आपसे, यानी इस तरीके से लिखा हुआ है, 1% यानी 1% बराबर होगा किसके? यदि आपको परसेंटेज वैल्यू दे दी जाए, क्या दे दी जाए? परसेंटेज वैल्यू, और उसको भिन्न में बदलना हो, किस में बदलना हो? भिन्न में। तो किस तरीके से बदलेंगे? देखो यहां पर प्रतिशत में मान दे रखा है 1%, यानी परसेंटेज में संख्या दे रखी है, और उसको किस में बदलना है? भिन्न के रूप में बदलना है, अर्थात फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन यानी होती है भिन्न। तो देखो सबसे पहला काम है अपना, संख्या के स्थान पर संख्या रखेंगे। संख्या कितनी दे रखी है? एक, यानी नंबर के स्थान पर नंबर। इस परसेंटेज के चिन्ह को हटाने के लिए मैथ ऐसा कहती है कि यदि प्रतिशत का चिन्ह किसी भी संख्या के साथ आया है तो उसको हटाने के लिए उस संख्या में कितने का भाग लगा दो? 100 का भाग लगा दो, यानी 100 का क्या लगाते हैं? भाग। तो यहां से 1/ में करूंगा 100। तो बताओ 1% का मान भिन्न के रूप में कितने के बराबर आ गया? 1/100 के बराबर आ गया। यह है भिन्न में, और यह किस में है? परसेंटेज में। परसेंटेज के मानों को अपन किस में बदलना सीख रहे हैं? भिन्न में बदलना सीख रहे हैं। तो यह आपको आने चाहिए। जैसे देखो मैं बात करूं 2%, तो 2% का मान कितना होगा? आपने कहा सर 2/100 करेंगे, कितना करेंगे? 2/100। यदि संख्याएं कट रही है तो संख्याओं को काटेंगे, और यदि संख्याएं नहीं कट रही है तो वहीं पर छोड़ देंगे। तो देखो यहां पर संख्याएं मुझे कटती हुई नजर आ रही है, 2 से मैं 2 को काटूंगा एक बार, और 2 से 100 को काटूंगा दोस्तों कितनी बार? 50 बार। तो कितना आ गया? 1/50। तो मैं कह सकता हूं यानी 2% का मान भिन्न के रूप में कितने के बराबर होता है? 1/50 के बराबर होता है। ऐसे ही 30% की बात करें तो 30% का मान कैसे निकालेंगे? संख्या के स्थान पर संख्या, संख्या के स्थान पर किसको रखना है? संख्या को, और प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए कितने का भाग लगाना है? 100 का। तो देखो यहां पर 30 के स्थान पर मैं रखूंगा 30, और परसेंटेज के चिन्ह को हटाने के लिए कितने का भाग? 100 का। इनको जब सोल्व करते हैं अपन तो देखो कितना आएगा? 3/10। कितना आ गया? 3/10 आ जाएगा। अब इस तरीके से आपसे कोई भी मान पूछ सकता है। अब देखो मैं यदि इस 30 में से यहां से 0 को हटा देता हूं, किसको हटा देता हूं? 0 को। तो देखो यहां कितना बन गया? 3। तो 3% का यदि मान पूछेगा मेरे से, तो पहले 30 था तो कितना आया था?
थ्री अपॉन टेन आया था। अरे 30% के लिए तो 3/10 ही तो आया है, और 30% के लिए अपन जब निकालेंगे तो कितना कर देंगे यहां से, तो आपने कहा सर 3/100, तो देखो 3/10 का 3/100 जो है कितना गुणा पर बैठी है संख्या, कितने गुना है, 10 गुना है, 1/10 गुना है, या ये कह दो कि 3/100 का यदि मैं कितना कर देता हूं 1/10 भाग कर देता हूं तो कितना आएगा 3/10 जो कि किसका मान है 30% का, तो 3% का मान आ गया 3/100। ये एक अच्छा नंबर है, इस नंबर पर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी अब जो पैटर्न चल रहा है वो कैलकुलेशन को हार्ड बनाता है, एग्जामिनर कैसा बनाता है कैलकुलेशन को हार्ड बनाता है, कठिन। तो सबसे ज्यादा जो सवाल बनाए जा रहे हैं परसेंटेज में वो 3% पर बनाता है, 11% पर बनाता है, या फिर अपन बात करें जैसे पॉइंटों में ले जाता है 11.11%, 22.22%, 44.44%, इस तरीके के। तो यहां से 3% को आपको कंप्लीट काटना है, कितनी बार कटेगा 1/33.33। तो बताओ 3% का मान भिन्न के रूप में कितने के बराबर है, 1/33.33 के बराबर है। ऐसे ही मैं लिख रहा हूं यहां पर 4%, तो 4% का मान कैसे निकालेंगे, 4/25 और 100 आएगा 100। अब देखो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा भाई 1/25। हाँ एक स्टेप आगे पहुंच गए हमें जल्दी में। तो देखो यहां से 5% का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा भाई 5/100। अब इसको काटेंगे, यदि संख्याएं कटती हैं तो क्या करते हैं, काटते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/20। जब 5% का मान भिन्न के रूप में 1/20 के बराबर होता है, ऐसे ही कोई कहे आपसे कि 6% का मान कितना होगा, तो आपने कहा सर 6/100 लिखेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि यदि संख्याएं कटती हैं तो संख्याओं को क्या करते हैं, काटते हैं। तो देखो काटती हुई नजर आ रही है संख्या, कितने से 2 से काटेंगे कितनी बार 3 बार, और 2 से 100 को काटेंगे कितनी बार 50 बार। तो देखो मैं कह सकता हूं कि यानी 6% का मान भिन्न के रूप में कितने के बराबर होता है, तो आपने कहा सर 3/50 के बराबर होता है। ऐसे ही अपन बात करें जैसे देखो 7% का मान, देखो 7% के मान की बात करें तो कितना आएगा 7/100। ये संख्याएं कट रही है क्या, नहीं, आपने कहा सर ये संख्या नहीं कटेंगी, क्यों, क्योंकि जो 7 है वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, अर्थात अभाज्य संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे प्राइम नंबर। अगला है 8%, 8% को कैसे सॉल्व करेंगे 8/100, संख्याएं कट रही है क्या, तो आपने कहा सर 4 से कटती हुई नजर आ रही है संख्याएं, तो कितना करेंगे 2/25। 4 से काट दिया ना सीधा, आप 2 से काट दे फिर दोबारा 2 से काटना पड़ता आपको वापस, तो देखो 2/25 आ गया। 9% के मान की बात करें तो कितना आ जाएगा 9/100, और 9 से काट दो सीधा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, 3 का 9 का ठीक है 11 का, तो कितना आ जाएगा 1/11.11। इसी प्रकार आपसे कह सकता है कि यानी 10% का मान बताओ कितना आएगा, तो 10% बराबर कैसे सॉल्व करेंगे, संख्या के स्थान पर संख्या, यानी 10 के स्थान पर 10, और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का क्या लगाएंगे भाग। यदि संख्याएं कट रही है तो संख्याओं को काट देंगे, अन्यथा वहीं पर छोड़ देंगे। तो यहां 0 से 0 काट दी तो बताओ कितना आएगा 1/10। इसी प्रकार आपसे कह दिए कि यानी 11% का मान कितना होगा, तो आपको याद रखना है कितना करेंगे 11/100, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जामिनर सवाल बनाता है। तो देखो 11 से ही काट दो सीधा, तो 11/ कितना करेंगे भाई 9 बार जाएगा सीधा, और पॉइंट कितना बचा 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 10 होगा, 10 में भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर वापस से 0 बढ़ाएंगे कितना आएगा 9, तो 9.09। ऐसे ही अपन बात करें जैसे देखो 20% की, तो 20% का मान कितना होगा,
अच्छा बन एक ठीक है भाई। देखो जैसे 20% की बात करें तो 20% का मान कितना आएगा, 1/5, 1/5। अब आप इस तरीके से कितनी भी किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हो, भिन्न के रूप में मान निकाल सकते हो। जैसे देखो और बात करूं कुछ, 25% दे दे आपको तो 25% का मान कितना होगा, तो आपने कहा सर 25/100, और संख्याएं कट रही हैं तो संख्याओं को क्या करेंगे, काटेंगे, तो 25 से ही काट दिया मैंने दोनों को, कितना आ गया 1/4। ऐसे ही 30% की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, तो 30% का मान कितना होगा, 3/10। 40% की बात करें तो 40% का मान 40/100, और 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2/5। आपने कहा सर 40% का मान 2/5 आया है। देखो इधर एक टेक्निक सिखाता हूं आपको, कि 20% का मान 1/5 है, तो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि 40% का मान कितना होगा, तो किस तरीके से निकालेंगे। देखो मैं जानता हूं कि 20 के पहाड़े में कौन आता है, 40। 20 के कितने गुना पर बैठा है, 40, 2 गुना पर। कि 20 के कितने गुना पर बैठा है, 40, 2 गुना पर बैठा है। तो 20% का जो मान है 1/5, यदि मैं इसका दोगुना कर देता हूं तो देखो दोस्तों संख्या निकल कर आती है 2/5, तो 40% का मान कितने के बराबर होता है, 2/5 के बराबर होता है। इसी प्रकार 60% का यदि मान पूछेगा तो मैं 60% का मान भी निकाल सकता हूं, कि 20 के कितने गुना पर बैठा है, 60, 3 गुना पर बैठा है, तो 20 का जो मान है 1/5, उसके भी 3 गुना पर कौन सी संख्या बैठी है, तो आपने कहा सर 3/5, तो मैं कह सकता हूं कि यानी 60% का जो मान होगा वो कितना होगा, 3/5। तो देखो ऐसे ही अपन बात करें इसके अलावा और कुछ मोस्ट जो वैल्यू है जिनका उपयोग एग्जामिनर 2-3 साल से ज्यादा कर रहा है, कि जैसे 11.11%, तो कितने के बराबर, 1/9 के। आगे लिख रहा हूं मैं 22.22%, तो देखो 11 का कितने गुना हुआ है, 2 गुना, तो इधर 1/9 का भी कितने गुना दोस्तों, 2 गुना, तो 2 गुना करोगे तो कितना आएगा, 2/9। इसी प्रकार अपन बात करें कि यानी अगली संख्या दे दे आपको 33.33%, तो कितने गुना पर बैठी है संख्या, 3 गुना पर बैठी है, तो इधर 1/9 का कितने गुना करोगे, 3 गुना करोगे, तो 3/ कितना लिखोगे, 9। और संख्या यदि कट रही है तो वापस से काट दो, 3 एकम 3, और 3 से 9 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो बताओ कितना आ गया, तो आपने कहा सर 1/3 आ गया। यदि आपसे कह दिया जाए कि 44.44% का मान कितना होगा, तो आपने कहा सर 4/9, कितने गुना हुआ है, तो आपने कहा सर 4 टाइम्स हुआ है, कितने टाइम्स हुआ है, 4 टाइम्स, तो 11.11 का 4 टाइम्स ही कौन है, 44.44। देखो इसका सीधा इलाज, कि आप यदि 11.11 का मान जानते हो तो 11.11 में बताओ सभी जो नंबर है वो क्या बन बन नहीं है क्या है, तो यदि आपको जैसा नंबर दिख रहा है 4 बार लिखा हुआ उसी नंबर को ऊपर लिख दो, जैसे बन बन दिख रहा है तो बन लिख दिया, और 9 हमेशा नीचे आना है, 9 का हमेशा भाग लगाना है आपको, बटे में 9 तो रहेगा ही, और अंश वाली जो संख्या है वो आएगी जिस संख्या का अपन परसेंटेज मान निकाल रहे हैं, जैसे 2, 2.22, यानी 22.22% बराबर, देखो सभी जगह 2 दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो ऊपर लिखूंगा 2 और नीचे क्या, 9, तो भिन्न क्या बनेगी, 2/9। ऐसे यहां पर 33.33%, चारों अक्षर क्या है, 3, तो 3/9 करोगे कितना आ गया, 1/3। 4 4 दिख रहा है सभी जगह, तो तुरंत समझ जाना है कि अंश में 4 रखना है और 9 का क्या लगाना है, भाग, तो 44.44% का मान कितना होगा, 4/9, यानी 4/9। तो ये है कुछ मोस्ट वैल्यू। इनके अलावा जैसे अपन बात करें एक संख्या पर और है जिस पर सवाल बनाता है एग्जामिनर, 6/1/4%, तो इसका मान याद रखना है आपको, 1/16 होता है, कितना होता है, 1/16 होता है। अगला है जैसे देखो अपन बात करें 12.5% के, 12.5% का मान
12.5% का मान भिन्न के रूप में कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1/8, कितना होता है 1/8, जो एग्जामिनर का फेवरेट नंबर है, इस पर बहुत ज्यादा सवाल बनाता है, खासकर लाभ हानि वाले चैप्टर में और ब्याज वाले चैप्टर में। तो देखो इसका जो मान है वो होता है 1/8, निकाल के बताएं आपको, देखो किस तरीके से आता है कि 12.5 के स्थान पर 12.5 रखो, 12.5 के स्थान पर 12.5, यानी संख्या के स्थान पर संख्या, परसेंटेज के चिन्ह को हटाने के लिए 100 का क्या लगाओ भाग, और इस फॉन्ट को जब मैं हटाऊंगा यहां से तो बताओ क्या एक जीरो नहीं बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी भाई एक जीरो। अब 25 से इन दोनों संख्याओं को काट दो, या सीधा आप 125 का पाड़ा जानते हो तो 125 से सीधा कटेगा 1000 कितनी बार, 8 बार, तो 125 एकम 125 और 125 अट्ठे कितना होता है 1000, तो 12.5% का मान कितना आ गया 1/8। तो ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, और यदि आप निकालना चाहते हो तो निकाल कर भी देख सकते हो, यानी 12.5% बराबर होता है दोस्तों 1/8। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि यानी 37.5% का मान कितना होगा, ये भी फेवरेट नंबर है एग्जामिनर का, यानी 37.5% का मान भिन्न के रूप में कितने के बराबर आएगा। तो देखो 12.5% का कितने गुना है, 3 गुना, 12.5% के साथ में यदि 3 की गुना करता हूं तो कितना आता है 37.5। तो 12.5% का मान यदि 1/8 है तो बताओ इस 1/8 का मैं यदि 3 गुना कर दूंगा तो मुझे मान पता चल जाएगा किसका, 37.5% का। भाई 12.5% के कितने गुना पर बैठा है 37.5, 3 गुना पर बैठा है, तो बताओ 1/8 का कितने गुना होगा 3 गुना, तो कितना आ जाएगा मान 3/8। तो कह सकते हैं यानी 37.5% का मान भिन्न के रूप में 3/8 के बराबर होता है। तो ये जो मान है आप इन सबको एक बार लिखो कॉपी के अंदर, बैक कर देता हूं मैं जितना भी बताया है आपको। हम रोक देना सर, बोले रोक देना, रोकना चाहो तो वापस कर देना स्टार्ट होने से, फिर एडिटिंग करनी पड़ेगी तो। हाँ भाई आ रहा है समझ में सबको। अब ये बताओ जो मैंने आज अब चैप्टर की शुरुआत की है आज से, ठीक है, और जितना भी बताया है आया सबको समझ में किस तरीके से निकालते हैं इन परसेंटेज वैल्यूओं को, तो आपको जिस तरीके से मैं यहां से सिखा रहा हूं उसी प्रकार आपको निकालनी है, और निकालनी नहीं है ये याद होनी चाहिए सबको, क्या होनी चाहिए याद, संख्या देखी तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसकी भिन्न कितनी है, क्यों, क्योंकि जिस बच्चे को ये याद होंगी वो एग्जाम में उतना ही जल्दी सवाल कर पाएगा, और जिसको ये याद नहीं है तो वो वहां साइड में जाके निकालता ही फिरेगा, इतने में तो एग्जाम का टाइम खत्म। भाई जो अच्छे बच्चे होते हैं जो रैंक देते हैं और पेपर भी समय पर सॉल्व करते हैं तभी तो रैंक आती है उनकी, तो उसके पास अच्छे तरीके होते हैं, वो चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद रखने का प्रयास करते हैं। लिख ले यहां तक सबने, बदल रहा हूं भाई, ठीक है ये लिखो, अब इसलिए लिखा रहा हूं तुम्हें क्यों, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास ये चीजें लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई हैं, या आप इनको निकाल सकते हो या नहीं। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग नहीं लिखा हुआ है तो भी ये कहते हैं सर लिखा हुआ है, वो इसलिए नहीं कह पाते कि सर भाई कुछ बोलेंगे या क्या है, तो बोलेंगे क्यों भाई तुम्हें नहीं आता है, तभी तो आप हमारे पास आए हो सीखने के लिए, और हम जब आपको सिखा देंगे तो आप सीख ही जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को डांटते हैं, अरे तुम्हें ये भी नहीं आता भाई इतने बड़े हो गए, नहीं आता तो नहीं आता क्या करें, सब कुछ आता ही तो फिर जरूरत क्या थी हमारे पास आने की। तो अब जो चीज आपको नहीं आती है मैं उस चीज को सिखाऊंगा, और ऐसे बेहतर और बेहतरीन कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको कि बिल्कुल आपका एक नजरिया ही बदल जाएगा मैथ को देखने का,
कि सवालों को किस तरीके से सॉल्व करना है। लिख लिया सबने? लिखो। अभी तो ऑप्शन से सॉल्व करना सिखाऊंगा जब क्वेश्चन प्रॉपर चलेंगे, जब बड़े बड़े क्वेश्चन। अभी तो अब चैप्टर का बेस चल रहा है, ये जिस पर चैप्टर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। और सभी टाइम से आया करो भाई, 2 बजे फिक्स यहां कुर्सियों पर दिखने चाहिए मुझे। तुमसे पहले मैं आ जाता हूं यार, तुम आते ही रहते हो पीछे तक, तो जिससे हमारी क्लास टाइम से स्टार्ट हो, पूरा हमें 1 घंटा मिले कंप्लीट। क्यों? क्योंकि मेरे मुझे समय कम पड़ जाता है मेरी क्लास में 1 घंटे का। लिखो फास्ट फास्ट। वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जब आपको समझ में ही आ गया तो खुद भी निकाल सकते हो ना, घर पर हटा दे तो फिर कुछ तो टेंशन में आ गई पीछे। क्या बात कर दी भाई ये सर, अभी तो देखेंगे जाके घर। हटा रहा हूं अब मैं, ठीक है? अब लिखे मत रहो, बच्चों की तरह लग रहे हो 10 मिनट तक, 3 पेज है पूरे। लिखो फास्ट फास्ट, जब तुम खुद नहीं देख के लिख, खुद कॉपी में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब तुम्हें समझ में कम आया है। फिर क्या समझू मैं, ये समझू कि समझ में आ गया है, या फिर ये समझू कि समझ नहीं आया? टेंशन ना लो, मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैथ में खूंखार बना दूंगा आपको, जहरीला और खूंखार, सवाल देखा और खत्म सेकंडों में। ये हकीकत है, ये मैंने मेरे जीवन में मैथी पढ़ी है, बस पढ़ी मैथी है, बाकी की पढ़ाई 11 सब्जेक्ट है और अब भी पढ़ा रहा हूं। तुम जगते हो उससे पहले तो मैं भारत का इतिहास खत्म कर देता हूं 7 से 8 डेली। ये वास्तविकता है, पूछ लो, ये मेरे से पढ़ा हुआ है, इसको पता है कितनी क्लासें रहती हैं, और इसने हर सब्जेक्ट मेरे से पढ़ी है, पॉलिटिकल भी इसने पढ़ी है, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जो कुछ होता है सब कुछ, इंग्लिश। हटाए भाई, और आपका भी डाउट हो तो वो भी क्लियर कर देंगे कभी भी मन हो, जब किसी भी सब्जेक्ट में कह देना, ठीक है? अब देखो इसके बाद अपन बात करें कुछ सवालों की। अब मैं यहां से करूंगा सवालों की शुरुआत। जैसे देखो पहला सवाल है अपना कि यदि किसी ने यह कह दिया कि 800 का 25% कितना होगा। बिल्कुल छोटे सवालों से शुरुआत करूंगा, बेसिक से, और हाई लेवल तक कराऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि बड़े सवाल तभी समझ में आएंगे जब आपको पहले छोटे कंसेप्ट पता होंगे। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करना है आपको, पहले सिखा रहा हूं। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर फर्स्ट। देखो जो संख्या दे रखी है उस संख्या को अपने स्थान पर रखो, संख्या के स्थान पर संख्या। इस का के स्थान पर आपको रखना है मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह, और वापस दे रखा है 25%। 800 का 25% कितना होगा, तो 25 के स्थान पर 25 और परसेंटेज के स्थान पर 100। अब देखो जो बच्चा इस बात को सीधा जानता है कि 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है, तो वो बच्चा इस 25/100 ना लिखकर वो क्या लिखता सीधा यहां पर, 1/4। ये फायदा होता है किसका, परसेंटेज वैल्यूओं का, यदि याद आपने कर रखा है तो सीधा आप क्या रख सकते हो, मान रख सकते हो। भाई आप 25/100 रखते, फिर वापस से काटते, आना कितना था यहां पर, वही 1/4। अब यहाँ तो 800 में 0 दिख रही है, तो आपको ये भी लालच आ सकता था कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दें,
परंतु कल को यहाँ कोई ऐसा नंबर आ गया जिसमें जीरो ना हो तो बताओ तब काट सकते हो क्या? नहीं, फिर तो क्या लिखना पड़ेगा, 1/4। तो यहाँ पर देखो, 4 से मैं काटूंगा कितने को, 800 को, और कितनी बार कटेगा भाई, 200 बार, और 200 की गुणा 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यानी 800 का 25% कितना होता है, 200। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका है, सेकंड तरीका क्या कहता है कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो परसेंटेज का, तो सवाल को परसेंटेज से ही सॉल्व करो। सवाल को किससे सॉल्व करो, परसेंटेज से ही सॉल्व करो। सवाल में दे रखा है मान 25%। यदि किसी भी सवाल के अंदर कोई भी संख्या परसेंटेज में दे रखी है तो सबसे पहला काम है उस परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व करना। यदि किसी भी सवाल के अंदर कोई भी नंबर, कोई भी संख्या प्रतिशत में दे रखी है तो सबसे पहला काम क्या है आपका, उस प्रतिशत वाली संख्या के मान को सॉल्व करना, यानी उसकी भिन्न बनाओ। उसकी क्या बनाओ, भिन्न, फ्रैक्शन बनाओ उसकी। तो देखो 25% को जब मैं सॉल्व करता हूं तो भिन्न के रूप में मान कितना आता है, 1/4। अब मैं कह रहा हूं कि माना वह संख्या जिसका मुझे 25% निकालना है वो कितनी है, 4। मैंने ऐसा मान लिया कि वो संख्या है 4 कोई भी, जैसे यहां इसने लिख रखा है 800। अब इस 800 के स्थान पर मैं इस सवाल को पढ़ूंगा किस तरीके से, कि 4 का 25% कितना होगा। तो इस 4 का 25% जब मैं निकालता हूं तो कितना आता है, 1। कितना आता है, 1। अब मैं कह रहा हूं कि वो संख्या 4 नहीं है, जबकि वास्तविकता में वो संख्या है कितनी, 800। तो वो संख्या 4 ना होकर कितनी दे रखी है दोस्तों, 800 दे रखी है मुझे, गिवन कर रखा है मान। बताओ 4 से कि कितने गुणा पर बैठा है 800। तो आपने कहा सर 200 गुणा पर बैठा है। कितने गुणा पर बैठा है, 2 से गुणा पर बैठा है। तो वो संख्या 1 ना होकर 1 के कितने गुणा पर बैठी है, 200 गुणा पर बैठी है। तो वो संख्या कितनी आ गई, 200। तो मैं कह सकता हूं 4 का 25% तो 1 होता है, परंतु 800 का 25% कितना होता है, 200। 25% को जब मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आता है, 1/4। मैंने 4 को मान लिया मूल संख्या, 4 को क्या मान लिया, ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या।